अभी हम आ चुके हैं गुड्डू गोल्डन चाट पे। वाह भाई, नाम ही बड़ा गोल्डन है ये, आप देखें। और सुना है चाट भी बड़ी इनकी गोल्डन ही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एमएस हम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके जौहर में, और यहाँ पे आज हम लोग मुख्तलिफ खानों की छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करेंगे, वो चीज़ें जो कम बजट में इंसान खा सके। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करेंगे। माशाल्लाह छोले चावल से ये देखें, सिर्फ 50 रुपए के अंदर है ये। तो देखते हैं कि ये कैसे है। 50 तो रकम के हिसाब से तो बिल्कुल ही कम है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या नाम आपका? मोहम्मद मकबूल। अच्छा जी, तो ये कितने टाइम से आपने ये छोटा सा ठिया लगाया हुआ है? महीना होने वाला है। ठीक ठीक, तो चले एक प्लेट हमारे लिए भी बना दें, हम भी बिस्मिल्लाह करें, खा के चेक करें कि ये मेमन भाई के छोले चावल कैसे बने हुए, वो जो कि सिर्फ 50 रुपए के अंदर मिल रहे हैं, वो भी इस दौर में 2023 के दौर में। अब ये प्लेट हमारे लिए तैयार हो रही है। पतीले के अंदर पतीला रखा हुआ है और उसमें पड़े हुए चावल। अंकल ने बताया कि इसी वजह से ताकि ये ठंडे ना हो जाएं, जब भी इतना ढक के रखा हुआ है। और ये अभी छोले डालेंगे, और छोले भी उसी तरह ही बिल्कुल ही ढक के रखे हुए हैं ताकि ये जल्दी ठंडे ना हो और इनका जो है ना जायका जो है ना ख़राब ना हो जाए। ये ऊपर से प्याज भी ऐड कर दिए। ये क्या डाल? चटनी। चटनी है? अच्छा अच्छा ये भाई आप देख सकते हैं 50 रुपए की चना चावल, ऊपर से चने की तादाद इतनी है कि चावल नजर नहीं आ रहे। बेहतरीन भाई। ये ठिए के साथ एक ही चाचा ने कुर्सी रखी हुई है, एक बंदा एक टाइम पे बैठ सकता है। चले भाई इस कुर्सी पे तो अभी हम बैठते हैं। बड़ा ही मुनफरिद सा छोटा सा होटल है ये, छोटा सा ठिया है, एक टेबल वाला। बिस्मिल्लाह करते हैं। ओए होए होए, नो डाउट यार, 50 रुपए के हिसाब से वेल डन, जबरदस्त है यार। लगा 50 रुपए के हिसाब से इस दौर के अंदर मैं कहता हूँ कि नॉट बैड, रेट के हिसाब से बेहतरीन है ये। तो भाई 50 रुपए की सस्ती तरीन चना चावल की प्लेट तो हम लोगों ने खा ली, अभी चलते हैं आगे दूसरे ठिए पर। तो दूसरी चीज़ अब हम लोग खाएंगे कचौरियाँ, जो कि चाचा रोड के किनारे पे ठेले के ऊपर बेच रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इन्होंने रेट लिस्ट भी सामने लगाई हुई है, कचौरी 15 रुपये, समोसा 25 और समोसा चाट 60 रुपये। तो हम लोग तो जाना कचौरियाँ खा के देखते हैं चाचा जी। थोड़ी देर पहले जब यहाँ से मैं गुजरा तो रश तो काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था, अभी थोड़ा रश कम हुआ है। चाचा जी प्लेट तैयार कर रहे हैं हमारे लिए। और ये कचौरियों के साथ ये सालन, ये किस चीज़ का सालन है? ये आलू का सालन और थोड़ा अचार, और साथ में ये ग्रीन सी चटनी भी उसी के ऊपर ही डाल के दे रहे हैं, ये आप देखें। क्या बोला? दम है भाई, दम है। तरने चाचा ने सालन के ऊपर ही वही चटनी वो डाल के दिया था, अचार भी और उसी में चटनी भी डाल के दी थी, तो तीनों का फ्लेवर जो है ना, तीनों का टेस्ट मिल के जो है ना कम्प्लीट नाइस भी बन गई है। और अच्छा है यार, नो डाउट। एक समोसे कचौरी, चार एक भाई जोहर के अंदर अगर सस्ती और मज़ेदार कचौरी आपकी खानी है तो बाबा के पास लाजमी चक्कर लगाइएगा।
जो कि यहाँ की सबसे अच्छी कचौरियाँ होती हैं चाचा जी की। A few inches later. अभी जरा मैदे को कर लेते हैं ठंडा और पीते हैं गाजर का फ्रेश जूस। तो भाई सलाम अलैकुम। संगे बाबा खैर दे जोड़े। गाजर का गिलास बना देना। मिक्स वाला बनाऊं गाजर वाला? मिक्स वाले में गाजर के अलावा और क्या क्या डालेगा? गाजर चुकंदर कीनू। हाँ 3-in-1 हो जाएगा। हाँ ठीक है मिक्स गिलास सही है। ये आ गया चिकंदर। हाँ और ये किनू किनू माल्टे। एक और किनू। आखिर में लीमू भी लेमन आ गया। लेमन वाह लीमू नहीं लेमन। ये रहा भाई हमारा चुकंदर का गिलास। आए हाय हाय चस आ गई। A few minutes later. तो जी अभी हम आ चुके हैं गुड्डू गोल्डन चाट पे। वाह भाई नाम ही बड़ा गोल्डन है ये आप देखें। और सुना है चाट भी बड़ी इनकी गोल्डन ही है। तो चल के भाई गुड्डू भाई का सलाम दुआ भी करते हैं और अपने लिए चाट भी बनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुड्डू भाई। वालेकुम सलाम भाई जान। कैसे हैं गुड्डू भाई आप? तो गुड्डू आपका ही नाम है या किसी और का नाम? गुड्डू भाई वो अंदर काम में लगे हुए हैं। ये गुड्डू भाई। गुड्डू भाई आज हमें चाट खिला रहे हो कि नहीं? जी भाई जान बिल्कुल खिला रहे हो ना। हाँ हाँ तो हमारे लिए बना दो एक अच्छी सी गोल्डन सी चाट जैसा नाम है ना वैसी चाट हमें खिला दो। ये जौहर में किस जगह पे थोड़ा बताएंगे हमें? परफ्यूम चौक पर है। परफ्यूम चौक पर है ब्लॉक 17 में। सही सर। ये किस चीज का बना हुआ है? ये इमली है ये दही है। अच्छा ये इमली है वो दही है। सही सही। ये पापड़ी। ये हो गई पापड़ी भाई। तो जी अभी गुड्डू गोल्डन की चाट हम लोग खा के देखते हैं कैसी है। और बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छी है यार ज़बरदस्त। इसके अंदर जो इमली की चटनी भाई ने डाली हुई थी ना उसने कोई कमाल का मज़ा करा दिया है। चाट तो सब आम सी होती है वही छोले वही आलू पापड़ी लेकिन चाट का जो मज़ा बढ़ाती है ना वो इसके अंदर जो ऐड की हुई चटनियाँ होती हैं वो और जो इसके अंदर मसाले डाले जाते हैं वो इस चाट का मज़ा जो है ना दोबारा कर देती है। और वही चीज़ें इसके अंदर कमाल है मसाले और चटनियाँ वगैरह ज़बरदस्त। गुड्डू भाई मज़ा आ गया भाई। गुड्डू गोल्डन चाट के बाद अब हम लोग चलते हैं वीडियो की इख्तिताम की तरफ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आएंगे अगली वीडियो में कुछ मुख्तलिफ खानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।